C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arthashastra ka shabd kosh Vidyalayon ke liye Tribhashi Maashiyat ki Lughat Skoolon ke liye Index G G-20 Page 48 G-8 Page 48 Gainful employment page forty eight Gat Page forty eight GDP Page forty eight GDP deflator page forty nine General Equilibrium Page fifty Geometric Mean Page fifty Geometric Progression GP Page fifty gestation period page fifty Giffen goods. Page 50. Gift tax. Page 51. Global warming. Page 51. Gold standard. Page 51. Goods. Page 51. Government budget. Page 51. Government interventions. Page 52. Government securities. Page 52. Grants in aid. Page 52. Gratuity. Page 52. Green Revolution. Page 52. Gross Domestic Product, GDP. Page 53. Gross Enrollment Ratio, GER. Page 53. Gross National Product, GNP. Page 53. Growth Rate. Page 53. The Great Depression 1929. Page 54. Let's start with alphabet G. G. Page 48. G20, a group of finance ministers and central bank governors from 19 of the world's largest economies and the European Union. The G20 was formed in 1999 as a forum for member nations to discuss key issues related to the global economy. The mandate of the G20 is to promote growth and economic development across the globe. The group of 20 consists of the members of the G7, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States and Canada. 12 other nations, South Africa, Mexico, Argentina, South Korea, Indonesia, Russia, Turkey, ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया ब्राजील एंड सऊदी अरेबिया एंड द यूरोपियन यूनियन जी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 19 और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक समूह सदस्य राष्ट्रों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों की चर्चा करने के लिए 1999 में जी ट्वेंटी का गठन एक फोरम के रूप में हुआ जी ट्वेंटी समूह का अधिदेश विश्व भर में समृद्धि तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है ट्वेंटी के समूह में शामिल हैं जी सेवन फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैनेडा बारह अन्य राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका मेक्सिको, अर्जेंटीना दक्षिण कोरिया इंडोनेशिया रूस टर्की ऑस्ट्रेलिया चीन भारत ब्राजील और सऊदी अरब और यूरोपियन संघ जी ट्वेंटी ये दुनिया की उन्नीस सबसे बड़ी मैशियतों और यूरोपीय यूनियन के वज़राय खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों का एक ग्रुप है ग्रुप ट्वेंटी की तश्कील उन्नीस सौ निन्यानवे में आलमी मैशियत से ताल्लुक मसाइल पर गौर फिक्र करने के लिए एक फोरम के तौर पर हुई थी जी ट्वेंटी का मकसद ये है कि तमाम दुनिया में माशी तरक्की को फ़रोह दिया जाए जी ट्वेंटी में जी सेवन के रुकन ममालिक यानी फ्रांस जर्मनी इटली इंग्लैंड अमरीका और कैनेडा और दीगर बारह मुल्कों यानी जुनूबी अफ्रीका मैक्सिको अर्जेंटीना जुनूबी कोरिया इंडोनेशिया रूस तुर्की ऑस्ट्रेलिया चीन हिंदुस्तान ब्राजील और सऊदी अरब के अलावा यूरोपीय यूनियन भी शामिल हैं जी एट अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एट ऑफ द इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड Who meet periodically to address international economic and monetary issues. The G8 includes the group of seven countries along with Russia. Russia, although not a full member, has been in attendance since 1994. See also G20. G Art Vishwaki Arthik Drishti Se Vikasit Rashtro आठ का एक समूह जो समय समय पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय मुद्दों पर विचार करने के लिए मिलते हैं जी आठ में सात देशों के समूह के साथ रूस भी सम्मिलित है रूस यद्यपि पूर्ण सदस्य नहीं है उन्नीस से अपनी उपस्थिति देता आ रहा है देखें जी बीस जी एट ये दुनिया के इकतसादी तौर पर तरक्की याफ़्ता आठ मुल्कों का एक ग्रुप है जो बैन अवी माशी और माली मसाइल पर ग़ौर फिक्र के लिए वक्तन फवक्तन अपनी नशस्तें मुनद करता रहता है जी एट में ग्रुप सेवन के रुकन ममालिक के अलावा रूस भी शामिल है अगरचे रूस को मुकम्मल रुकन का दर्जा हासिल नहीं है लेकिन वो उन्नीस सौ चौरानवे से इसमें शरीक होता रहा है देखिए जी ट्वेंटी गेन फुल एम्प्लॉयमेंट वर्किंग एंड अर्निंग कमेंसरेट टू वन केपेबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अर्जक रोजगार कार्य और आय का व्यक्ति की क्षमता और योगदान के अनुरूप होना नफा बख्श रोजगार किसी शख्स के कामकाज और उसकी कमाई करने की सलाहियत और खिदमत गैट जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरस एंड ट्रेड GATT under the United Nations established with the purpose to facilitate international trade. GATT was created in 1947 and became operational in 1948. The primary objective of the organization when set up was to freeze and reduce tariff levels on various commodities. On January 1, 1995, गैट वॉज रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO), गैट जी ए टी टी संयुक्त राष्ट्र के अधीन गैट प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया गैट की स्थापना उन्नीस में हुई और 1948 से ये काम करने लगा संगठन संस्था के निर्माण के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं पर प्रशुल्क स्तरों को स्थिर करना और कम करना था एक जनवरी उन्नीस को गैट को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू में बदल दिया गया गैट जी ए टी टी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जी ए टी टी बैन अवी तजारत में सहूलतें पैदा करने के लिए में मुतहदा के तहत अमल में आया ये उन्नीस में बना और 1948 में इस पर अमल शुरू हुआ जब यह इदारा कायम हुआ था तो इसका मकसद मुख्तलिफ अशिया पर टैरिफ की सतहों को मुंजमद करना या उनको कम करना था यकम जनवरी उन्नीस सौ पचानवे को आलमी तजारती तंजीम यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने GATT ki jagalili. GDP refers to the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year, irrespective of whether it is produced by a domestic national or a foreign national. For example, suppose a US company such as IBM operates in India. And this company produces goods worth rupees 1000. Of this 1000, rupees 700 goes back to USA as profit income for the owners of the company. Despite this, the GDP figure for India will include goods worth rupees 1000 because these were produced within the Indian territory. In calculation of GNP, rupees 700 that were transferred back to us as profits would not be included to take another example suppose there is an individual working in dubai earning wages equal to rupees 500 this rupees 500 will not be included in the gdp of india as the goods are not being produced by this individual Within the Indian Territory. Depending on whether the goods are produced within the domestic territory or by residents of a country, depreciation is included or excluded and valuation is at market prices or factor costs. We get the following aggregates GDP MP, GNP MP, NDP MP. NNP जी डी पी एफ सी जी FC एनडीपीएफसी एन एन पी एफ सी ओनली द लास्ट ऑफ दीज दैट इज एन एन पी एफ सी इज नेशनल इनकम पेज फोर्टी नाइन जी डी पी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक अमरीकी कंपनी आईबीएम भारत में कार्यरत है ये कंपनी एक हजार रूपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करती है इस एक हजार रुपये में से सात सौ रुपये वापिस यूएसए में कंपनी के मालिकों के लाभ के रूप में भेज दिए जाते हैं इसके बावजूद भारत में जीडीपी की गणना में एक हजार रुपये की वस्तुओं को शामिल किया जाएगा क्योंकि इनका उत्पादन भारत की घरेलू सीमा में किया गया है भारत की जी की गणना में सात सौ रुपये जो वापस अमेरिका में लाभ के रूप में भेज दिए गए थे शामिल नहीं किए जाएंगे एक अन्य उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक व्यक्ति दुबई में कार्यरत है तथा मजदूरी के रूप में पाँच सौ रुपये कमा रहा है तो ये पाँच सौ रुपये भारत के जीडीपी में शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा ये उत्पादन भारतीय परिसीमा में नहीं किया गया है इस बात पर निर्भर करते हुए कि एक वस्तुओं का उत्पादन घरेलू परिसीमा में किया गया है या देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरा मूल्य ह्रास को शामिल किया गया है या नहीं तीसरा मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है अथवा साधन लागत पर हम निम्न समग्र प्राप्त कर सकते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी एम पी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी एफ सी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी एन पी एम पी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी एन पी एफ सी बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमपी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एन साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एन एन पी एफ सी इनमें से अंतिम एन एन पी एफ सी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है मजमुई मुल की पैदावार जी डी पी किसी भी माली साल के दौरान किसी मुल्क में पैदा की जाने वाली तमाम मसनुआत और खिदमात की मजमुई मालियत को जी डी पी कहा जाता है ख्वा यह पैदावार किसी मुल्क में मुकीम शहरी ने की हो या गैर मुकीम शहरी ने मसलन फर्ज कीजिए अमरीकी कंपनी आईबीएम हिंदुस्तान में काम करना शुरू करती है ये कंपनी एक हजार रुपए का सामान तैयार करती है जिसमें से सात सौ रुपए मुनाफे की रकम अमरीका को जाती है लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की जीडीपी में एक हजार मालियत का यह सामान शामिल होगा क्योंकि इसकी पैदावार हिंदुस्तान के हदूद के अंदर की गई है जीडीपी का हिसाब लगाने में मुनाफे के तौर पर अमेरिका जाने वाली सात सौ रुपए की रकम शामिल नहीं की जाएगी एक और मिसाल देखिए फर्ज कीजिए दुबई में काम करने वाला कोई शख्स पांच सौ रुपए के बराबर इजरत हासिल करता है यह 500 सौ हिंदुस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि इससे मुतालिक सामान की पैदावार हिंदुस्तान की कौमी हदूद में नहीं की गई हैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि अशिया की पैदावार मुल्क के अंदर या किसी मुल्क के मुकम शहरियों के जरिए की जा रही है तखफीफ कदर यानी डेप्रीसीशन को शामिल या खारिज किया जाता है और तयन क़द्र यानि वैल्यूशन बाजार कीमतों या लागतों की बुनियाद पर की जाती है हमें मंदरजा झेल असलाहें हासिल होती हैं जी डी पी एम पी जी एन पी एम पी एन डी पी एम पी एन एन पी एम पी जी डी डी एफ सी जी एन पी एफ सी एन डी पी एफ सी एन एन पी एफ सी इनमें से आखिरी असलाह एन एन पी एफ सी को ही कौमी आमदनी कहा जाता है जी डी पी डिफ्लेटर दिस इज अ प्राइस इंडेक्स विच शोज चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ द इकोनोमी Over a period of time. When nominal GDP is divided by GDP deflator, we get the value of real GDP. Real GDP is equal to nominal GDP divided by GDP deflator, or GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP. See also nominal GDP. रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स सकल देशीय उत्पाद जीडीपी विक्षेपक ये एक कीमत सूचकांक है जो एक निश्चित समयावधि में एक अर्थव्यवस्था में होने वाले कीमत परिवर्तनों को दर्शाता है जब मौद्रिक जीडीपी को जीडीपी विक्षेपक से भाग किया जाता है तो हमें जीडीपी का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है वास्तविक जीडीपी बराबर मौद्रिक जीडीपी भाग जीडीपी विक्षेपक या जीडीपी विक्षेपक बराबर मौद्रिक जीडीपी भाग वास्तविक जीडीपी देखें मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी कीमत सूचकांक जीडीपी डी जीडीपी डिफ्लेटर कीमत आशारिया यानी प्राइस इंडेक्स है जो एक अरसे के दौरान किसी मीशत में होने वाली कीमतों की तब्दीली को जाहिर करता है राइज जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डी पी से तकसीम करने पर हकीकी जीडीपी यानी रियल जीडीपी की कदर हासिल होती है हकीकी जीडीपी बराबर राइज जीडीपी बटा जी डी या जी डी बराबर राइज जीडीपी बराबर हकीकी जीडीपी नेज देखिए राइज जीडीपी हकीकी जीडीपी कीमत अशारिये पेज 50 जनरल इक्विलिब्रियम अ सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इन ऑल द मार्केट्स साइमटेनियसली इन एन इकोनॉमी इम्प्लाइंग देर आर नो सरप्लसेज और शॉर्टेजेस सामान्य संतुलन वो स्थिति जब किसी अर्थव्यवस्था में एक साथ सभी बाजारों में मांग और पूर्ति समान होती है जिसका अर्थ है कि न किसी वस्तु का आधिक्य है और न ही किसी वस्तु की कमी है आम तोन ये किसी महिशत की वो सूरत हाल है जब तमाम बाजारों में मांग और रसद दोनों बयक वक्त मसावी हो इसमें जाहिर होता है ashiaki kasrat or Geometric mean the value obtained by calculating the nth root of the product of the n items of a series where n is the number of items 2, 3, 4, 5. Let a series be given as x1 x2 x3 where n is equal to 3. The geometric mean of this series is given by cubic root of x1 into x2 into x3 which is also equal to x1 into x2 into x3 with the power 1 by 3 guno tar madhya ek shreni ke padon ke phal ke nve mool ka parikalan kar prapt kiya gaya maan jahan n barabar दो तीन चार पांच मदों की संख्या है माना एक श्रेणी x1, x2, x3, यहाँ n बराबर तीन है इस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य बराबर क्यूबिक रूट x1 वन गुणा एक्स टू गुणा एक्स थ्री बराबर एक्स वन गुणा एक्स टू गुणा एक्स थ्री टू द पावर वन बाय थ्री द्वारा किया जाता है ज्योमेट्रिक औसत किसी सीरीज के एन आइटमों के हासिल जरब के एन एथ रूट की तहसीब करके हासिलशुदा कदर जबकि एन आइटम दो तीन चार पांच का आदद है मान लीजिए यह सीरीज दी गई है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यहां एन बराबर तीन है इस सीरीज को ज्योमेट्रिक औसत से देखा जा सकता है एक्स वन गुना एक्स टू गुना एक्स थ्री का क्यूब रूट बराबर एक्स वन गुना एक्स टू गुना एक्स थ्री की पावर एक बटा तीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्युटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। सिंबॉलिकली ए ए टू द पावर टू A to the power 3, A to the power 4 till A to the power n. Here, A square by A is equal to A cube by A square, which is also equal to A to the power 4 divided by A cube and so on. For example, 3, 9, 27, 81. Here, 9 by 3 is equal to Twenty-seven by nine, which is equal to eighty-one by twenty-seven. See also Arithmetic Progression. Gulotar Srini Sankhyaon ka ek kram, do kramagat anko ka anupat sthir hota hai. Sankhetik roop se, A, A to the power two, A to the power three, A to the power four, A to the power n, Yaha. ए टू पावर टू भाग ए बराबर है ए टू पावर थ्री भाग ए टू द पावर टू जो कि बराबर है ए टू पावर फोर भाग ए टू द पावर थ्री और इसी प्रकार शेष संख्याओं के लिए उदाहरण के लिए तीन नौ सत्ताईस इक्यासी यहाँ नौ बटा तीन बराबर है सत्ताईस बटा नौ के जो कि बराबर है इक्यासी बटा सत्ताईस के देखें समांतर श्रेणी से इजाफा, एदाद की एक तरतीब है जिसमें दो मुतवा ऐदाद के दरमियान निस्बत कायम रहती है अलामती तौर पर ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू दावर फोर ए एन तक यहां ए स्क्वायर बटा दो बराबर ए क्यूब बटा ए स्क्वायर बराबर ए रेस्ट टू दी पावर फोर बटा ए क्यूब और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है मिसाल के तौर पर तीन नौ सत्ताईस इक्यासी यहां नौ बटा तीन बराबर सत्ताईस बटा नौ बराबर इक्यासी बटा सत्ताईस नेज देखिए हिसाबी इजाफा Gestation period. The calculated time period for any production or a capital project to be completed. For example, development of infrastructure has long gestation period, whereas the gestation period for food production is less. Pakwan avadhi. Kisi ut padan atwa gat ke hone me lagne wali parikalit samayavadhi. Udharan kili. आधारभूत संरचना के विकास की पकवन अवधि लंबी होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन की पकवन अवधि छोटी होती है वकफाई पुख्तगी ये किसी पैदावार या किसी सरमाएकारी के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए दरकार वक्त की तहसीब शुदा मुद्दत है मिसाल के तौर पर बुनियाद ढांचे की तैयारी का वक्फाई पुख्तगी तवील होता है जबकि giffen goods these goods violate the law of demand so that for these goods quantity demanded increases with an increase in their price and decreases with a decrease in their price giffen goods are a special case of inferior goods where the negative income effect is greater than the substitution effect न वॉज फर्स्ट ऑब्जर्वड बाय रॉबर्ट गिफिन गुड्स आर कंसिडर्ड इनफीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स गिफिन वस्तुएं ये वस्तुएं मांग के नियम का उल्लंघन करती हैं अतः कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है तथा कीमत के कम होने पर इनकी मांग कम हो जाती है गिफन वस्तुएं निम्न कोटि वस्तुओं का एक विशिष्ट प्रकार है जहां ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है इस परिघटना को सर्वप्रथम रॉबर्ट गिफन ने प्रेक्षित किया तथा उन्हीं के नाम पर इन वस्तुओं का नाम दिया गया सभी गिफन वस्तुएं निम्न स्तरीय होती हैं परंतु सभी निम्न स्तरीय वस्तुएं फन वस्तुएं नहीं होती गिफिन अशिया वो अशिया हैं जो मांग के कायदे के खिलाफ वर्जी करती हैं इन अशिया की कीमत बढ़ने पर उनकी तलब बढ़ती है और कीमत कम होने पर तलब में कमी आ जाती है गिफिन अशिया खास किस्म की कम मैार वाली चीजें होती हैं जिनके ताल्लुक से मुनफी आमदनी का असर मुतबादली असर से ज्यादा होता है सूरत हाल को सबसे पहले रॉबर्ट गिफिन ने निशानजद किया था इसलिए इन अशिया को उनके नाम से मंसूब किया गया है तमाम गिफिन अशिया कम मैार होती हैं मगर तमाम कम मयारी अशिया गिफिन अशिया नहीं होती पेज फिफ्टी वन गिफ्ट टैक्स टैक्स इम्पोज ऑन अ पर्सन हु रिसीव्स एनी गिफ्ट स्पेसिफिक लिमिट नाउ this टैक्स has been abolished in इंडिया This is also known as इनहेरिटेंस टैक्स उपहार कर एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया गया कर जिसे एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक का उपहार मिलता है अब भारत में इस कर को समाप्त कर दिया गया है इसे उत्तराधिकार कर भी कहा जाता है गिफ्ट टैक्स किसी ऐसे शख्स पर लगाया गया टैक्स jise ek gift tax Global warming. Rise in the average temperature of the Earth's surface, air and ocean in recent years due to increased concentration of greenhouse gases resulting from human activities such as industrialization, deforestation, etc., this has serious environmental and economic consequences a un conference held in rio in 1992 resulted in an international agreement to fight global warming which called for reduction in emissions of greenhouse gases by industrialized nations bu mandali etapan halikivirshumi karan वनोन्मूलन इत्यादि जैसी मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह वायु तथा महासागरों के ताप में औसत वृद्धि इसके गंभीर पर्यावरणीय तथा आर्थिक परिणाम होते हैं वर्ष उन्नीस में रियो में हुए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ जिसमें औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का आवाहन किया गया आलमी हदत। पिछले कुछ सालों में सनातकारी और जंगलात की कटाई वगैरह जैसी इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़े हुए इर्तकाज के सबब सतह जमीन हवा और समंदर के दर्ज़े हरारत में इजाफा हुआ है दर्ज हरारत के इस इजाफे से माहौलियात और मीशत पर बहुत संजीदा किस्म की तश्वीशनाक असरात हुए हैं उन्नीस सौ बयानवे में रियो में अकवा मुतहद की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके नतीजे में आलमी हदद से मुक़ाबले के लिए एक बैन अवी माह अमल में आया था जिसमें ये कहा गया था कि सनाती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी लाएँगे गोल्ड स्टैंडर्ड an exchange rate regime which was prevalent prior to world war i or 1914 under this regime all currencies were pegged or fixed in terms of gold and thus in turn determined the exchange rate between the currencies for example if one ounce of gold was equal to four british pounds and twenty us dollars then the exchange rate between dollar and pounds was twenty dollars divided by four pounds, or one pound is equal to five dollars. Exchange rates were fixed as long as all currencies exchanged for a fixed quantity of gold and the governments of these countries were prepared to maintain these values. Swarnuman एक विनिमय दर प्रणाली जो प्रथम विश्व युद्ध या 1914 से पहले प्रचलित थी इस प्रणाली के अंतर्गत सभी करंसियों का मूल्य स्वर्ण की मात्रा के रूप में तय परिभाषित किया गया था इसी आधार पर सभी करंसियों की आपसी विनिमय दर निर्धारित होती थी उदाहरण के लिए यदि एक आउंस सोना चार ब्रिटिश पाउंड तथा बीस अमरीका डॉलर के बराबर हो तो डॉलर तथा पाउंड में विनिमय दर बीस डॉलर भाग चार पाउंड या एक पाउंड बराबर पांच डॉलर होगी जब तक स्वर्ण की मात्रा के रूप में करंसियों का मूल्य स्थिर रहता था तब तक उनकी आपसी विनिमय दर भी स्थिर रहती थी तथा इन देशों की सरकारें इन मूल्यों को स्थिर रखने के लिए तैयार रहती थी तुलाई मयार। करंसी का शरह मुबादला जर का निजाम जो पहली आलमी जंग या 1914 से पहले राइज था इस दौरे निजाम के तहत तमाम की कीमत सोने की मकदार की शक्ल में तय की जाती थी इस बुनियाद पर सभी करंसियों की बाहमी शरह मुबादला तय होती थी मिसाल के तौर पर अगर एक आउंस सोना चार बरतानवी पाउंड और बीस अमरीकी डॉलर के बराबर हो तो डॉलर और पाउंड के दरमियान शरह मुबादला जर बीस डॉलर बराबर चार पाउंड या एक पाउंड बराबर पांच डॉलर होगी जब तक सोने के की मकदार की शक्ल में करंसियों की कीमत मुतयन रहती थी तब तक उनकी बाहमी शरह तबादला भी मुतयन रहती थी और उन मुल्कों की हुकूमत Goods, are tangible thing which has economic value. All goods are meant for satisfaction of human wants, but commodities are those goods which are produced for sale in the market. Goods may be classified as durable or non durable goods on the basis of its nature, or as consumer or producer goods. ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर्स सी ऑल्सो कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स वस्तु एक साकार पदार्थ जिसका आर्थिक मूल्य होता है सभी वस्तुओं का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है लेकिन पण्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित की जा सकती हैं, वस्तुएं उनकी प्रकृति के आधार पर टिकाऊ या गैर टिकाऊ के रूप में अथवा उनके अंतिम उपभोक्ताओं के आधार पर उपभोक्ता अथवा उत्पादक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। देखें पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं अशिया कोई मादी चीज जिसकी माशी कदर हो किसी शय को उसकी नौीय के बुनियाद पर पायदार और गैर पायदार के जिमरे में रखा जाता है या फिर इख्तामी इस्तेमालकार यानी एंड यूजर्स की बुनियाद पर उसकी जिमराबंदी सारिफ या पैदाकार शय के तौर पर की जाती है नेज देखिए सरमाया अशिया सारिफ अशिया के दरमियान में आने वाली अशिया Government Budget The annual financial statement of government with details of income received and expenditure incurred. The budget is further classified into revenue budget and capital budget. Revenue budget includes receipts and payments on account of current incomes and expenditures. वेयर एज कैपिटल बजट इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच अफेक्ट द एसेट एंड दाइबिलिटी पोजिशन पेज 52, सरकारी बजट सरकारी वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र जिसमें प्राप्तियों तथा आय का ब्यौरा होता है बजट का वर्गीकरण आगम राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में किया जाता है राजस्व बजट में चालू आय तथा व्यय के आधार पर प्राप्तियों तथा भुगतानों को शामिल किया जाता है जबकि पूंजीगत बजट में उन प्राप्तियों तथा भुगतानों को शामिल किया जाता है जिससे संपत्ति तथा देयता की स्थिति प्रभावित होती है सरकारी बजट सरकार का सालाना माली गोशवारा जिसमें हासिल होने वाली आमदनी और अखराज की तफसील होती है बजट की जिम्राबंदी महसूल बजट और सरमाया बजट के तहत की जाती है महसूल बजट में होने वाली आमद और खर्च की बुनियाद पर हासिल शुदा रकूम और अदायगियों को शामिल किया जाता है जबकि सरमाए वाले बजट में महसूलात और अदायगियों को शामिल किया जाता है जिससे Aur ki mutasir hoti hai. Government interventions. Any action taken by the government in the market. The purpose of government intervention can be to correct market distortions or for objectives such as provision of subsidized food for everyone, which the market cannot do. Government intervention. मे टेक वन और मोर ऑफ सेवरल फॉर्म्स सच एज प्राइस कंट्रोल सब्सिडी राशनिंग लाइसेंसिंग एक्सेट्रा सरकारी हस्तक्षेप सरकार द्वारा बाजार में की गई कोई भी कार्यवाही सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य बाजार विकृतियों को दूर करना या प्रत्येक के लिए सहायता प्राप्त भोजन की व्यवस्था करना जिसे बाजार नहीं कर पाता सरकारी हस्तक्षेप के कई रूप हो सकते हैं जैसे कीमत नियंत्रण आर्थिक सहायकी, राशनिंग लाइसेंस प्रणाली लागू करना सरकारी मदाखलत ऐसा कोई कदम जो सरकार बाजार या बाजार से बाहर के बदउनवानियों को दुरुस्त करने के लिए उठाती है ताकि समाजी फलाह या दीगर मकसद हासिल हो सके सरकार मुख्तलिफ शक्लों में एक या एक से ज्यादा इकदाम कर सकती है मसलन कीमतों पर कंट्रोल सब्सिडी राशनिंग और लाइसेंसिंग वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्स एंड बॉन्ड इशूड बाई द गवर्नमेंट विच कैरी एन अशोर्ड रेट ऑफ रिटर्न सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा जारी किए गए बिल और बॉन्ड बंध पत्र जिनमें प्रतिफल लाभ प्राप्ति की निश्चित दर होती है सरकारी सिक्योरिटीज यानी तहफात सरकार के जरिए जारी किए गए बिल और बॉन्ड्स जिन पर मुतयन शुदा शराह से मुनाफा मिलता है ग्रांट्स इन एड अ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन एंटिटी विद इन और आउटसाइड द कंट्री For the purpose of supporting a specific project or general program, this term is generally used in the context of federal finance. सहायता अनुदान देश के भीतर या बाहर एक विशिष्ट परियोजना अथवा सामान्य कार्यक्रम की सहायता के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक किसी सत्ता को निधि का स्थानांतरण ये पद सामान्यतः संघीय वित्त के संदर्भ में उपयोग किया जाता है इमदादी ग्रांट किसी खसूसी प्रोजेक्ट या आम प्रोग्राम को बढ़ावा देने की गर्ज से मुल्क के अंदर या बाहर सरकार की जानिब से किसी इदारे को दिया गया फंड आम तौर से इस इस्तलाह का इस्तेमाल वफाती मालियात में किया जाता है ग्रेचुटी A social security measure in form of payment made to an employee by employer at the time of employee's retirement in addition to other entitlements due to the employee such as provident fund pension leave encashment etc The term gratuity comes from gratitude shown by the employer towards the employee for years of service See also प्रोविडेंट फंड पेंशन उपदान ग्रैच्युटी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के अवसर पर नियोक्ता द्वारा अन्य अदायगियों जिनके लिए कर्मचारी अधिकृत है जैसे भविष्य निधि पेंशन अवकाश का नकद भुगतान आदि के साथ साथ कर्मचारी को किए गए भुगतान के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान उपदान शब्द नियोक्ता द्वारा कर्मचारी द्वारा दी गई वर्षों की सेवा के लिए आभार का प्रतीक है देखें भविष्य निधि पेंशन ग्रेचुएटी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड पेंशन और छुट्टियों के बदले नकद रकम जैसी सहूलियात के अलावा जो कि मुलाजमीन के हक में वाजिब अलादा होती हैं। उनको आजिर की तरफ से माली अदायगी की शक्ल में एक समाजी जमानत के तौर पर दी जाने वाली रकम देखिए, प्रोविडेंट फंड पेंशन ग्रीन रेवल्यूशन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एच वाई वी सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड इट स्टार्टेड इन इंडिया इन द नाइनटीन Genetically modified, high-yielding wheat was first introduced to India in 1963 by Dr. Norman Borlaug, who is hailed as the father of Green Revolution. Prof. M. S. Swaminathan is known as pioneer of Green Revolution in India. Harit Kranti, Uch Upajvale HIV BU, Urvarko, कीटनाशकों और सिंचाई के उपयोग से खाद्य उत्पादन में वृद्धि भारत में ये क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च उपज वाले गेहूं का चलन सर्वप्रथम उन्नीस में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया जिन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के अग्रणी के रूप में जाने जाते हैं पेज 53 थ्री सब्ज इनकलाब बीजों की ऊंची पैदावार वाली वैरायटी यानी एच खाद करमार अदविया और आबपाशी की तकनीक के इस्तेमाल की वजह से गजाई पैदावार में इजाफा ये हिंदुस्तान में 1960 की दिहाई में शुरू हुआ उन्नीस में डॉ नॉर्मन बोरलॉग ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान में बड़ी पैदावार वाले जीएम गेहूं को शुरू किया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक को सब्ज इनकलाब का बानी कहा जाता है इसके अलावा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को हिंदुस्तानी सब्ज इनकलाब का पेश रो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अ अयर सी ऑल्सो नेशनल इनकम रियल जीडीपी, डी पी नॉमिनल जी सकल देशीय उत्पाद जीडीपी, एक वर्ष में किसी देश के देशीय क्षेत्र में उत्पादित अंतिम रूप से तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य जीडीपी एक देश की आर्थिक शक्ति का माप है जबकि जीडीपी प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन स्तर का सूचक माना जाता है मजमुई घरेलू पैदावार जीडीपी उन तमाम तैयारशुदा अशिया और खिदमात की जरी कद्र जो एक साल के अंदर मुल्क की सरजमीन में तैयार या पैदा हों जीडीपी से मुल्क की माशी मजबूती की पैमाइश होती है जबकि फिक्स जीडीपी को अक्सर मुल्क की मार जिंदगी का अशारिया समझा जाता है नेस देखिए कौमी आमदनी हकीकी जी डी पी नाम जी डी पी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जी ई आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइमरी सेकेंडरी And higher to the size of population of children in the relevant age group. The ratio is often expressed in terms of percentage. The ratio of total number of students at primary, secondary, and higher level of education taken together to total population in the age group of 6 to 23 years is called the combined enrollment ratio CER. सकल नामांकन अनुपात जीईआर शिक्षा के एक विशेष स्तर प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का उसी आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या के साथ का अनुपात ये अनुपात सामान्यतः प्रतिशत में दर्शाया जाता है शिक्षा के प्राथमिक सेकेंडरी और उच्चतर स्तरों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या का 6 से 23 वर्ष के आयु समूह की कुल जनसंख्या के साथ अनुपात संयुक्त नामांकन अनुपात सी आर कहलाता है मजमुई इंदिराजी तनासुब जी ई आर तालीम की किसी खास सतह यानी प्राइमरी सानवी आला पर स्कूलों में इंदिराज शुदा तलबा की तादाद और मुतल उम्र वाले बच्चों की कुल तादाद का तनासुब ये तनासुग आम तौर पर फीसद में जाहिर की जाती है मजमू तौर पर तमाम प्राइमरी सानवी और आला तालीम की सतहों पर दर्ज शुदा तलबा की कुल तादाद छह से तेईस साल की उम्र वाले बच्चों की कुल आबादी के तनासब को मुश्तर इंदिराजी तनासुब कहा जाता है ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट जी Total value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of time, usually one year. GNP can be derived from GDP by adding income earned by its factors located abroad minus income of non residents located in domestic territory. GNP is equal to GDP. प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सकल राष्ट्रीय उत्पाद जी एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा समय की एक निश्चित अवधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य जी का निर्धारण जी में विदेशों में स्थित इसके साधनों या कारकों द्वारा अर्जित आय को जोड़कर तथा घरेलू क्षेत्र में स्थित गैर निवासी कारकों की आय को घटाकर किया जा सकता है जी बराबर जी जमा विदेशों से कारकों को प्राप्त निवल आय मजमुई मुल्की पैदावार जी किसी मखसूस साल में किसी मुल्क के दाखिली हदूद में मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा अशिया और खिदमात की मजमुई कदर यानी जी और बशमूल बैरून मुल्क में मौजूद अवामिल के जरिए इकतसाब करदा आमदनी अलबत् इसमें से मुल्क की सरजमीन में मौजूद गैर मुकीम बाशिंदों की आमदनी को घटा दिया जाएगा इस मफरूज़े के तहत कि जी एन पी मुआशी नमू की तरफ ले जाती है जी एन पी मुल्क की माशी सरगर्मी और कारदगी का एक पैमाना है gnp barabar gdp jama bahar se khalis amil amadani growth rate it shows the rate at which any variable grows over a period of time this is the change value of variable as a ratio of initial value of the variable concerned growth rate is always with reference to a period of time for instance annual growth rate a common example is growth rate of GDP or output. If the GDP in initial year, also called base year, is low and GDP in subsequent year is 108, then the annual growth rate of GDP equals to 108 minus 100 divided by 100, equal to 0 0.08 or 8%. In general terms, growth rate of a variable y equals y with base t minus y with base t minus 1 divided by y with base t minus 1 multiplied by 100, where y with base t is value of y in period t, y with base t minus 1 is the value of y in period t minus 1 and multiplication by 100 is to give growth rate in percentage terms as long as growth rate is above 0 the variable is increasing at an increasing rate when growth rate is equal to 0 the value of variable in both periods is same when the initial value of the variable is very small इवन अ स्मॉल इनक्रीज कैन लीड टू हाई ग्रोथ रेट विकास दर ये वो दर है जिस पर किसी भी चर में एक निश्चित समयावधि में वृद्धि होती है ये चर में परिवर्तन तथा संबंधित चर के प्रारंभिक मान का अनुपात है विकास दर सदा किसी समयावधि के संदर्भ में होती है जैसे वार्षिक विकास दर जीडीपी तथा उत्पादन की विकास दर एक सामान्य उदाहरण है यदि प्रारंभिक वर्ष या आधार वर्ष में जीडीपी कम 100 है तथा अगले वर्ष में 108 है तो जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 108 सौ आठ घटा एक भाग एक बराबर शून्य दशमलव आठ और आठ प्रतिशत होगी सामान्य तौर पर चर की विकास दर y विद बेस टी घटा y विद बेस टी घटा एक भाग y विद बेस टी घटा एक गुणा एक सौ जहाँ वाई विद बेस टी टी अवधि में y का मान है y विद बेस टी माइनस वन टी माइनस वन अवधि में y का मान है इसे एक सौ से गुणा करके विकास दर की प्रतिशत वृद्धि की गणना की जाती है जब विकास दर शून्य से अधिक होती है तो चर बढ़ती दर, दर शून्य होती है तो दोनों समयावधियों में चर का मान समान होता है जब चर का प्रारंभिक मान बहुत कम होता है तो चर में छोटी सी वृद्धि से भी विकास की दर अधिक होती है पेज फिफ्टी फोर शराह नमू किसी मुद्दते वक्त आमतौर पर एक साल में किसी मतगीरा मसलन कौमी आमदनी आबादी सरमाकारी वगैरह की फीसद तब्दीली ये किसी मतगे में तब्दीली और मुतल मतगरा की इब्तदाई कदर के दरमियानी नस्बत है शराहनामों हमेशा किसी ख़ास मद्दत के हवाले से होती है मसलन सालाना शरा नमों जी और पैदावार की शरामों मसला कौमी आमदनी की शर नमों दर्ज झेल फार्मूले में दी गई है जैसे सालाना शर नमों जी या पैदावार की शरा नमों एक आम मिसाल है अगर साल के आगाज़ या असासी साल में जी डी पी सौ से कम है और आइंदा साल में 108 है तो जीडीपी की सालाना शरा नमू एक घटा सौ बटा सौ यानी सिफर अशारिया आठ या आठ फीसद होगी आमतौर पर वाई की मुतीरा शरा नमू तहसीब इस तरह की जाती है वाई टी घटा वाई टी माइनस वन बटा वाई टी माइनस वन गुणा सौ जहां वाई टी मुद्दत में वाय की कीमत है इसे सौ से जर्ब देकर शराहनमू का फीसद इजाफा हासिल किया जा सकता है जब शरा नमू सिफर से ज्यादा होती है तो मुतगीरा इजाफी शरह से बढ़ता है जब शराहनमू सिफर हो जाती है तो दोनों मुतना मुद्दत में मुतगीरा की कीमत एक जैसी होती है जब मुतगीरा की शुरुआती कीमत बहुत कम होती है तो मुतगीरा में मामूली से इजाफे से शरा नमू में इजाफा होता है द ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन ट्वेंटी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द डेकेड प्रिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड It originated in the US with fall in the stock prices that began around September 4, 1929, culminating in the stock market crash on October 29, 1929, known as the Black Tuesday. From there, it soon spread to almost every country in the world. This phenomenon resulted in fall in the aggregate demand for goods and services. आउटपुट एंड वाइडस्प्रेड स्प्रेड अनुप्लॉयमेंट एक्सैक्ट्रा कॉजिंग स्लो इन बिजनेस एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ महामंदी विश्वव्यापी मंदी उन्नीस विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशक में तीव्र विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ये अमेरिका में 4 सितंबर उन्नीस को शेयर बाजार की के कीमतों में गिरावट के साथ प्रारंभ हुई और शेयर बाजार में 29 अक्टूबर उन्नीस को चरम सीमा पर पहुंच गई इस दिन को काला मंगलवार कहा जाता है यहां से ये मंदी शीघ्र विश्व के प्रत्येक देश में फैल गई इस परिघटना के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उत्पादन आदि में गिरावट आई और व्यापक बेरोजगारी उत्पन्न हुई इन सब के कारण व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक समृद्धि में गिरावट आई सख्त कसात बाजारी उन्नीस पहली आलमी जंग के बाद की दिहाई में तमाम दुनिया में रोनमा होने वाला सख्त माशी बहरान ये अमेरिका में शुरू हुआ जिसके नतीजे में स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट का आगाज हुआ ये गिरावट 4 सितंबर उन्नीस को शुरू हुई और इसका अंजाम उनतीस अक्टूबर उन्नीस को इस सूरत में जाहिर हुआ कि स्टॉक बाजार ढ़ेर हो गया। इस तारीख को ब्लैक ट्यूजडे के नाम से जाना जाता है अमरीका से तमाम दुनिया में फैल गई और इसके नतीजे में अशिया खिदमत और पैदावार की मजमुई तलब में गिरावट आ गई बेकारी और बेरोजगारी फैल गई और इस तरह तजारती सरगर्मियां और माशी नमू दोनों ठप हो गए यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर निर्जा रश्मि प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोआर्डिनेशन बटीलैंड लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन वंदना अरिमर्दन असिस्टेंस इन प्रोडक्शन अमित कुमार Produced and directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.